प्रो 5G मोबाइल फ़ोन जो कि आपको ब्लेजर्स के साथ मिला, जो कि नथिंग की टेक्नोलॉजी थी ना भाई, जो कि नथिंग की टेक्नोलॉजी पहले आती थी, जो कि ब्लेजर्स के साथ थी और वहाँ पर लाइट इमिटेट करते थे अलग अलग कलर अलग के, वही इसमें देखने को मिलता। और जो भी मुझे लगता ना अभी भी जो भी मोबाइल फ़ोन निकालने की कोशिश कर रहे सभी कंपनियाँ, उसमें आपको लाइट की का यहाँ पर प्रोविज़न दे रहा है कि आपको लाइट वहाँ पर जबकि आपके मोबाइल फ़ोन की रिंग बजे तो लाइट दिखे और आपको लाइट को भी मोबाइल फ़ोन गेमिंग के जैसा ये दिखने को मिलता है। तो 5G मोबाइल फ़ोन की जिसमें क्या आपको बहुत ही अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसके साथ आपको डायमेंसिटी का चिपसेट देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी जिसके साथ 68W का, और पोवा कह रहा है टेक्नो पोवा कह रहा है कि ये फर्स्ट सेगमेंट का फ़ोन है जो कि 68W के साथ आपको चार्जिंग का प्रोवाइड कर रहा है, जो कि बहुत ही फास्ट आपका 0 to 50% चार्ज ओनली 50 मिनट में कर देने वाला है। तो सभी देखने वाले दोस्तों, तो सबसे पहले आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना करना, क्योंकि मैं ऐसे टेक्निकल वीडियो आपके लिए रोजाना लाता हूँ। तो बात करूँ डिस्प्ले को, तो आपको 6.7 inches फुल HD प्लस डिस्प्ले का डिस्प्ले का डॉट के साथ आपको कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 16 MP का फ्रंट कैमरा होने वाला है। बात करें इस मोबाइल फ़ोन की रिफ्रेशिंग रेट, तो 120Hz का रिफ्रेशिंग रेट भी आपको देखने को मिलता है। जब भी आप गेमिंग खेलोगे तो आपको यहाँ पर रिफ्रेशिंग रेट की लैकिंग की पूरी प्रॉब्लम नहीं होगी, 120Hz की रिफ्रेशिंग रेट। जो भी आप हाई सिमुलेटर वाले गेम भी खेलते हैं सर, तो वहाँ पर आप इसमें बात करें इस मोबाइल फ़ोन की परफॉर्मेंस की, आपको डायमेंसिटी 6080 का 6 nm वाला प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके साथ आपको टेक्नो पोवा 5G मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है, जिसके साथ आपको 6GB रैम प्रोवाइड कर रहा है और वो 256GB रोम प्रोवाइड कर रहा है। 16GB है ना, तो 8GB से पार्टीशन किया है, वहाँ पर डुअल चैनल, जैसे कि आप कंप्यूटर में डुअल चैनल यहाँ पर रैम लगाते हो ना भाई, उस साइड के इसमें रैम लगाई हुई है। और कूलिंग सिस्टम भी बहुत ही अच्छी दी है यहाँ पर, लिक्विड कूलिंग की सिस्टम दी है, जो कि भी आप गेम हाई सिमुलेटर और गेम भी खेलते हो बहुत देर तक खेलते हो तभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बात करें इस मोबाइल फ़ोन की कैमरे की, आपको डुअल कैमरे का रियर में सेटअप दिखने को मिला, जो कि 50 MP मेन कैमरा होना और 2 MP का कैमरा नहीं होना भाई, 2 MP यहाँ पर सेकंड जो कैमरा AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब भी आप कोई फोटो क्लिक करोगे ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली और कैप्चर कर लेगी और आपके मूवमेंट को पकड़ेगी और वहाँ से अच्छे से आपको फोटो कैप्चर करने वाली है। बात करें फ्रंट कैमरे, आप 16 MP का फ्रंट कैमरा सेल्फी के लिए आपको प्रोवाइड करता है। बात करें इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी की, तो आपको 5000 mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जो कि सभी सेगमेंट में यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है, और जिससे आप 68W का चार्जर भी यहाँ पर आपको टेक्नो पोवा प्रोवाइड कर रहा है। और बात करें इस मोबाइल में, तो आपको सभी सेंसर देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर, लाइट सेंसर, सभी सेंसर इसमें देखने को मिलता है। प्राइस की बात करें, 15000 के प्राइस में आपको अमेजोन पर 22 अगस्त को ये मोबाइल फ़ोन यहाँ पर सेल को आने वाला है, तो वहाँ पर जाकर इस मोबाइल फ़ोन का आप खरीद सकते हो, 5G बैंड के साथ ये मोबाइल फ़ोन आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, तो मिला होगा अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।